देखिए, सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा ठुमरी क्या है। कोई किताबी भाषा नहीं, कोई भटकाने वाली परिभाषा नहीं। तो भैया ठुमरी क्या है? ठुमरी और कुछ नहीं, बस शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का बच्चा है। शास्त्रीय संगीत प्लस लोक संगीत इक्वल टू ठुमरी। इसके शब्दों में रोमांस भरा होता है, यानी श्रृंगार रस प्रधान होता है। श्रृंगार रस यानी संयोग और वियोग। चूंकि यह रोमांस भरा होता है तो इसमें नखरा, नज़ाकत, अदा जैसे भाव गले से निकालना आना चाहिए, नहीं तो ठुमरी ठुमरी नहीं लगती। इसकी गायकी से शरीर में ठुमकने का एहसास होना चाहिए। शरीर के ठुमकने से ही इसका नाम ठुमरी पड़ा। ठुमरी दो प्रकार की होती है, बोल बांट की ठुमरी और बोल बनाव की ठुमरी। बोल बांट की ठुमरी छोटे ख्याल से मिलती जुलती रहती है, इसमें शास्त्रीय अंग ज़्यादा बलवान रहता है, जिस कारण इसमें तीन ताल झप ताल जैसी तालों की संगति होती है। बोल बनाओ की ठुमरी लचीली होती है, इसमें लोक संगीत का ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है, स्वरों का प्रसार ज़्यादा होता है, खटके मुर की मेड़ का प्रयोग होता है, कहरवा दादरा दीपचंदी जैसी तालों में इसको गाया जाता है। तो भैया ठुमरी का आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।